नीतीश कुमार जी की वर्चुअल रैली है। आपको पता होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था और उस रैली का क्या हश्र हुआ था, पूरे देश ने वो अपने आंखों से देखा था। पूरा सरकारी तंत्र लगा करके, हर एक चीज़ लगा करके भी रैली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप रैली बिहार के इतिहास के पन्नों में वो दर्ज की गई। आज जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है और एक्चुअल जो बातें हैं वो हम इनसे करना चाहेंगे, कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल बात से मुख्यमंत्री को भटकने नहीं देंगे, इसलिए हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जब ये बातें करेंगे तो घिसी पिटी बातें करेंगे, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जो बासी बातें हैं उनको बासी पन्नों में इतिहास के रहने दीजिए, लेकिन उनसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं, नीतीश कुमार जी बताएं कि 15 साल इनको मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, यहाँ अभी भी पलायन नहीं रोक पाए, भूखमरी जो है वो बढ़ गया, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गया, और आप देखिएगा कहीं भी कारखाना है, उद्योग जो है वो बिहार में नहीं लगा। गरीबी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में वो बिहार में है, लगभग 52% गरीबी बिहार में है, और लगभग बेरोजगारी दर जो है 46.6, यानी बिहार जो है देश का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। पलायन लगभग 50% है, जो हर दूसरा परिवार जो है पलायन कर रहा है। तो ये आंकड़े हैं, आप देखिएगा नीति आयोग में सबसे, अगर उसके रिपोर्ट में अगर कोई सबसे फिसड्डी राज्य है तो बिहार है। आखिर ऐसा क्यों, सभी सूचकांक में अगर देखिएगा नीति आयोग के, तो बिहार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी चीज़ों में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। आप देखिएगा 58 घोटाले हुए, जिसको सरकार ने भी माना है, लगभग बिहार का 20,000 करोड़ की लूट मार हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे नीतीश कुमार जी बोले, नीतीश कुमार जी बोले NCRB का जो आंकड़ा है जिसमें राष्ट्रीय औसत 21 है आपका क्राइम को लेकर के, वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वो बिहार में है 40.7 जो है NCRB के रिपोर्ट में है। तो नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया और कोरोना और बाढ़ में वो गायब क्यों रहे। उसलिए जो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल जो बातें हैं इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में उन्होंने कारखाने, शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उनके कार्यकाल में कितने बंद हो गए। और आपको पता है देश का GDP जो है नेगेटिव में आ गया है, 23.7 जो है GDP का रेट है, तो आप बिहार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होगी। ये आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के पास कोई भी विजन और कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि बिहार को इस संकट से, कोरोना महामारी से कैसे उभारने की क्या तैयारी है, क्या विजन है। ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये बताएं लोगों को, लेकिन आप देखिएगा इन लोगों को केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। जनता रोती रही, जनता जो है महामारी में, बाढ़ में त्राहिमाम त्राहिमाम करती रही, लेकिन आज तक उनका आंसू पोंछने नीतीश कुमार जी नहीं गए, बल्कि इनका खुद का आँख का आंसू जो है वो सूख चुका है। इसलिए हम जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर पलायन आपने क्यों नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपने उनको रोज़गार मजदूरों को क्यों नहीं दिया, वो मजदूर जो है वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल मुद्दे हैं इस पर आप बताइए, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी तरीके से बिहार में जल जमाव लगा रहता है, हर जगह जो है समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका कोई उपाय आज तक इन्होंने नहीं निकाला। जो आपके राज्य में 15 साल जो, मतलब आपके पिताजी के राज्य में जो 15 साल जो भी घटना हुई है, जिसे जंगल राज कहा गया, उन मुद्दों को लेकर आई हुई है। इवन कि हम देख रहे हैं BJP के भी जो नेता हैं, जो भी कुछ लिखते हैं उसमें लालू यादव, तो मतलब क्या इनके पास कुछ है नहीं कहने को ना करने को, कुछ नया है नहीं। ये जान बूझ करके
प्रोपोगेंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को भय और आतंक के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन आपको हमने जो आंकड़े दिए हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम है, जिसका दर लगभग जो है 40% है, मेरा आंकड़ा नहीं, NCRB का आंकड़ा है, और राष्ट्रीय औसत जो है 21 है, ये तो अपहरण, हर 4 घंटे पर बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पर हत्या होती है बिहार में। मुख्यमंत्री जी इस पे बात करें, इस पे जवाब दें। तो आप देखिए, नीतीश कुमार जी के पास कोई सुबह शाम इन लोगों का नकारात्मक राजनीति ही की है, कोई कंस्ट्रक्टिव पहल या पॉजिटिव कोई काम नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। जी बीजेपी NDA में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान अलग लाइन पकड़े हुए हैं, मांझी जी नए आए हैं वो चिराग को रोज गाली दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता का कहना है कि हम बिहार में अकेले भी चुनाव में मतलब जीत सकते हैं, तो क्या मतलब इसको क्या मायने निकल, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं अकेले चुनाव लड़ करके देख चुके हैं, जब समता पार्टी थी 95 में आप तो 7 सीटों पर सीमित रह गई थी, 2014 में अकेले लड़ी तो केवल जो है 2 सीटों पर सीमित रह गई, 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनकी जनाधार जो है कुछ नहीं है, वो वाकई में वो खुद जानते हैं कि 2 सीट भी अगर वो अकेले लड़ेंगे तो इस बार 2 सीट भी नहीं मिलेगा। असल में बिहार में नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है, बिहार में लड़ाई केवल BJP और RJD की है, और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो तो अब चिराग पासवान और LJP को ख़त्म करने की राजनीति कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने उनको नीतीश जी ने ठगने का काम ना किया हो, वो हम कई बार जो है नाम दोहरा दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है, बिहार में जो लड़ाई होने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, असली लड़ाई RJD और BJP की है। तेजस्वी यादव या BJP का कोई बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कोई फैक्टर नहीं है, नीतीश कुमार जी कोई ताकत नहीं है, वो तो महागठबंधन में हम लोगों की वजह से लड़े 101 सीटों पर, जिसमें कि उनको 70-71 सीटें मिली, वो तो लालू जी के नाम पे मिला वोट उनको, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनादेश का अपमान किया, विश्वासघात किया बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ, ये सब लोगों ने देखा, और नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है, वो BJP को भी धोखा दे रखे हैं, हम लोगों को भी धोखा दे रखे हैं, शरद यादव जी को भी धोखा दे रखे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी धोखा दे रखे हैं, मतलब कि लिस्ट जो है किताब भर जाएगा। मांझी जी क्या कहते हैं नहीं कहते, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना,